नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की बात, और आरोप जिसने लगाए हैं वो कोई आम नागरिक नहीं है बल्कि आपके जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से ये आरोप लगे। आरोप संजय सिंह ने कल लगाए थे बीजेपी के मंत्री महेंद्र नाथ सिंह ने, जो है उसका जवाब कल ही दे दिया था। उसके बाद दोबारा से आज फिर आरोप का एक तरह से लंबा चौड़ा उनकी तरफ से एक एक आरोप पर सफाई दी गई, और इस सफाई के तत्काल बाद संजय सिंह ने फिर एक बार ये कहा कि मैंने जो आरोप लगाए थे वो आरोप, उन आरोपों का कोई भी जवाब डॉक्टर महेंद्र सिंह की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि उन्होंने बातों को टालने की कोशिश की गई। ये एक तरह से सिर्फ एक बार आरोप की बात नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोपों की बात है। और जिस तरह से संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है मैं पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं और अप्रमाणिक प्रमाणों के साथ ये बात कह रहा हूं, और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि ये आरोप सरासर बेबुनियाद हैं, और जिस तरह से आरोप लगाए हैं डॉक्टर संजय सिंह ने, ऐसा लगता है जैसे कोई अशिक्षित व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा है जो भी काम देने की बात है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और उसमें कहीं भी किसी तरह का घोटाला नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ईमानदार कही जाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार आके किसी विभाग पर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले भी कई तरह के आरोप अलग अलग मौकों पर सरकार के अलग अलग विभागों पर लग चुके हैं, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि ऐसे तमाम मामलों में सरकार की तरफ से या तो चुप्पी है या सरकार ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ। क्या है ये आरोप, किस तरह का ये आरोपों का सिलसिला है, और क्या है डॉक्टर महेंद्र सिंह के जवाब, किस तरह से सरकार अपना बचाव कर रही है, इन सारी बातों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। आपकी तरफ से आपकी बात रखने के लिए उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जो एक हाई कोर्ट की एक वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी की बात रखने के लिए अनीता अग्रवाल जी हैं, जो बीजेपी नमस्कार पक्ष रखेंगे। अब बातचीत की शुरुआत मैं प्रियंका जी आपसे करना चाहता हूं। ये जो आरोप हैं, सामान्यतः राजनीति में आरोप यूं ही लगा दिए जाते हैं, और अनेक बार ऐसा लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कुछ चर्चा में आने के लिए कहना है, इसलिए आरोप लगा दिए जाते हैं। आप इन आरोपों को, क्योंकि आपके राज्यसभा सांसद ने लगाए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने लगाए हैं, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यों और कागजों पर बेस लगाए हैं, उन्होंने हवा में आके कोई बात नहीं बोल दी। और ये बीजेपी का पुराना चलन रहा है कि वो आप गुजरात का एग्जांपल उठा लीजिए। गुजरात में वेंटिलेटर स्कैम था, वेंटिलेटर्स बताया गया कि ये वेंटिलेटर ठीक नहीं काम कर रहे, जिस आदमी ने 10 लाख का सूट गिफ्ट किया पहले था, उत्तर प्रदेश की बात बताइए ना, गुजरात बात अनीता जी आप अपनी, आपको वक्त मिलेगा, नहीं हमने कहा ये उत्तर प्रदेश के पहले बोले ना, वो चल रहा। देखिए कोई भी बोलता है वो उसका अधिकार है, वो कैसे बोले क्या बोले, अगर खराब लगेगा तो हम संशोधन करेंगे, लेकिन आप अपने वक्त का इंतजार कीजिए जी। धन्यवाद गोविंद जी। तो मैं ये कह रही थी कि पहले भी जैसे एक कंपनी जिसने खराब वेंटिलेटर सप्लाई किए, वो कंपनी उसी प्रमोटर की थी जिसने 10 लाख का सूट मोदी जी को दिया, उसके बाद वो कहते रहे वेंटिलेटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे वेंटिलेटर खराब निकले, ये हम सब जानते हैं। कोर्ट में इनको बुरी तरह फटकार पड़ी, इन्होंने कोर्ट में तर्क देने की कोशिश की कि वेंटिलेटर चलाने नहीं आते थे इसलिए मृत्यु हो गई, वहां भी इनको खूब फटकार पड़ी। अब उसी तरह एक कंपनी है ये रश्मि मेटालिक करके, जो हर जगह रिजेक्ट हो गई है, उड़ीसा में रिजेक्ट हो गई, वेस्ट बंगाल में रिजेक्ट हो गई, हिमाचल प्रदेश में रिजेक्ट हो गई,
छत्तीसगढ़ में रिजेक्ट हो गई, झारखंड में रिजेक्ट हो गई, पंजाब में रिजेक्ट हो गई, हमारी आर्मी ने मध्य प्रदेश में रिजेक्ट हो गई, हमारी आर्मी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये कंपनी हर तरफ ब्लैकलिस्टेड है। उस कंपनी को यहाँ पे ये टेंडर, यहाँ पे वो मांगते हैं कि प्रपोजल भेजे, यहाँ पे ये उस कंपनी का टेंडर पास करने की बात करते हैं। इस कंपनी को लाने की जरूरत क्या है, जब इसकी पाइप्स आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कह दिया कि ये बोगस कंपनियां चलाते हैं, शेल कंपनी चलाते हैं, इनके पाइप की क्वालिटी खराब है। 11% लोग, 11.3 टू बी स्पेसिफिक परसेंट लोग उत्तर प्रदेश में पाइप वाटर मिलता है उनको। अब जब जल जीवन मिशन के तहत ज्यादा लोगों को पाइप वाटर मिलने की बात चल रही है, हर घर जल की बात चल रही है जो आप चला, उसमें अगर आप ठीक यूज नहीं करेंगे पाइप, तो अल्टीमेटली फिर लोगों का ही नुकसान है। आप तो बैठे घर में जल पहुंचेगा ही नहीं, उसमें नीचे आपके बार बार खुदाई करेंगे, हर साल खुदाई करेंगे, यही तो चेंज करना है सिस्टम ना। मतलब किस बेसिस पे, किस आधार पे, जब आपके अपने एमएलए, जब आपके दो जगह के एमएलए, एक प्रयागराज के एमएलए और एक हरिया के एमएलए, दोनों ने कहा कि ये कंपनी को कैसे टेंडर मिल रहा है, तो आप ये तथ्यों पे बेस्ड है सारे कुछ। इन सबकी चिट्ठियां हैं, मेरे पास भी हैं, वो मैं अभी निकाल नहीं रही। अगर आपने संजय जी की पीसी देखी है, उसमें उन्होंने सारे तथ्य दिखाए हैं, तो हवा की बातें नहीं है। बार बार वो पर्सनल अटैक कर देते हैं बीजेपी, बात घुमा देती है बीजेपी, बट ऐसा क्यों है कि एक कंपनी जिसने सूट गिफ्ट दिया उसको वेंटिलेटर का टेंडर मिल गया, एक कंपनी जो पुरानी डोनर चल रही है, जो आपको माई नेता इन्फो पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन, ये उनके पुराने डोनर है, वो डोनर कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है जब वो कंपनी हर जगह रिजेक्टेड है। बिल्कुल, आपने जो बात कही उसमें तथ्य दिखाई देते हैं, और एक तरह से जो संजय सिंह ने आज भी अपनी बात को दोबारा जिस तरह से दोहराया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे जो आरोप हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। अनिता जी, आप से मैं जानना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है, और क्या आपके पास ऐसे तर्क हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि आरोप सही नहीं है? देखिए गोविंद जी, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, संजय जी मुझे कुछ समझ नहीं आता है, एक राज्यसभा मेंबर है, आप पार्टी के नेता हैं, उसके बाद वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। उन्होंने कहा टेंडर हो गया है, जबकि हमारे आज उनके एक एक बात का जवाब महेंद्र सिंह जी ने स्वयं दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया को बुलाकर जो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं एक एक का जवाब दिया है, उठा उठा के। उन्होंने कहा हमने कोई टेंडर दिया ही नहीं है, अभी कोई टेंडर निकला ही, टेंडर दिया ही नहीं गया है, और ये कह रहे हैं टेंडर नहीं दिया गया इस कंपनी को। ना ना ना, कोई टेंडर नहीं दिया गया, पहले सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, हवा में हम नहीं बात कर रहे, हवा में आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी टेंडर कोई दिया ही नहीं गया। और दूसरी बात, जहां तक सुन लीजिए, हमारे समाजवादी पार्टी में उस समय दो कंपनियां थी, मऊ और बर्गर, और उनको मऊ और बर्गर दो योजनाएं थी, उन योजनाओं को जब वो योजनाएं जब हम लोग देखी तो 1,25,000 पे काम कर रही थी, जो कि हम लोग केवल मात्र 50,000 पे काम कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि 40% आप ज्यादा ले रहे हैं। अब आप बताइए 1,25,000 पे जो काम हो रहा था वो हम 50,000 पे करा रहे हैं, उसमें कहाँ ज्यादा हो रहा है। और पाइपों की क्वालिटी, पहले सुन लीजिए, पाइपों की क्वालिटी की जहां तक बात है, वो हमने उसका बॉन्ड भरा है कि पाइपों की 10 साल तक उनकी रिपेयरिंग का जो भी कोई बात होगी वो सब आपको देखनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, आप ये जो जैसी बातें कर रहे हैं ना, आप आज जो आपके संजय जी ने प्रेस किया है, उस प्रेस का एक एक जवाब हमारे महेंद्र सिंह जी ने दिया है। आपने शायद अगर नहीं सुना तो एक बार सुन लीजिए, उनके साथ सुन लीजिए। नहीं, हम तो बता ही रहे ना आपको कि जो जो आप कह रहे टेंडर, जो जो कह रहे कितने लाख का टेंडर हो गया, वो टेंडर हुआ ही नहीं पहली बात तो। और जो काम पुराना चल रहा है, सुन लीजिए, जो पुराना काम चल रहा है जल शक्ति का चल रहा है, जो हमने जल शक्ति मिशन बनाया है, जो घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो एक घर के लिए 1,25,000 की जो समाजवादी पार्टी में काम था वो हमारा 50,000 में काम हो रहा है। उसमें कह रहे हैं कि 40% आप ज्यादा ले रहे हैं। अब आप बताइए सत्यता कहाँ है, सत्यता आप खुद देखिए। नहीं, आप मेरी आप सत्य पे बजाइए, और जल जीवन मिशन जो हमें घर घर में आज पानी पहुंचा, असल में क्या है, मोदी सरकार, योगी सरकार से सारी पार्टियां हो गई है परेशान, वो सोच रही है कि सारा काम ये लोग कर रहे हैं, बिजली ये लोग पहुंचा रहे हैं,
पानी ये पहुंचा रहे हैं, आयुष्मान योजना ये दे रहे हैं, जन औषधि केंद्र ये लोग खोल रहे हैं, आवास ये दे रहे हैं, शौचालय ये दे रहे हैं, जनता का सारा कोरोना काल में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता काम पे लगा रहा, ये लोग कहीं नजर नहीं आए, ये लोग अपना देखते रहे कि इन्होंने दिल्ली से दिल्ली में कितना बुरा, वहां पे इन्होंने त्राई माम कर दिया, हाथ खड़े कर दिए केजरीवाल जी ने, तो अमित शाह जी गृह मंत्री जी खुद सारा काम किए कोरोना काल में, तो इन लोग को समझ में आ रहा है कि आपने हम लोगों ने कुछ किया तो है नहीं, अब आरोप पत्र जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जनता बहुत समझदार है जनाब, जनता जल्द से गुमराह होने वाली नहीं है, और भ्रष्टाचार का आरोप ना आप मोदी जी पे लगा सकते हैं ना योगी सरकार पे लगा सकते हैं, हम लोग जो है पूरे तरीके से बिल्कुल साफ काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन सारा देखा जा सकता है, आजकल तो मीडिया सबके हाथ में, मोबाइल सबके हाथ में, गूगल पे ऑनलाइन सब पता चल जाता है। देखिए वो तो आपकी बात अनीता जी, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन आरोप जो हैं वो तथ्यों पर लगाए गए हैं, ये दावा गोविंद जी है। आरोपों का जवाब और क्या, जिस तरह से जो जवाब महेंद्र सिंह जी ने दिए हैं उसका भी जवाब संजय सिंह ने आज दोबारा मीडिया से बात करते हुए दिया है, और उसमें विस्तार से चीजों को रखा है। देखिए संजय सिंह ने अयोध्या पे लेके एलिगेशन लगाया, तो किलो को भी पहले कहते थे राम मंदिर तो जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल बनाइए, तो हॉस्पिटल इन्होंने बनाए कुछ किया नहीं इन्होंने। अच्छा चलिए अनीता जी, हम अनावश्यक विस्तार में नहीं जाएंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, आप अपना शरद जी बड़ा बारी का इंतजार करिए, ताज्जुब हो रहा है शरद जी हमारे, बड़ा ताज्जुब हो रहा है शरद जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस महेंद्र जी की सुनी होगी, आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपके बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आपने शरद जी जो जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, जिस तरह से आरोप का जवाब दिया गया, और उसके बाद फिर जिस तरह से आज संजय सिंह ने अपनी बात रखी है, एक तरफ जो डॉक्टर महेंद्र सिंह है उनकी छवि आमतौर पर बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर जानी जाती है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो आरोप बहुत गंभीर है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी सिस्टम है, उसमें वो भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है, ऐसा आप भी जानते हैं इसकी हकीकत, और हम भी जानते हैं, ये जो आरोपों का सिलसिला है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, कितना गंभीर समझ रहे हैं? गोविंद, ये जब बात ये सामने आई कि इतना बड़ा एक घपला हुआ, जो कल जैसे संजय सिंह ने जब ये आरोप रखे पब्लिक डोमेन में, तो सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे भी हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर किसी को ईमानदार इस सरकार में कहा जाता तो वो महेंद्र सिंह थे, लेकिन जो इस तरीके के आरोप संजय सिंह ने जिन तथ्यों के साथ ये आरोप लगाए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काफी कुछ काला है, और ये खाली देखिए इनके आरोपों की बात नहीं है, यही इनसे पहले ये आरोप बीजेपी के 4 MLA लगा चुके हैं, जिनमें कि एक मंत्री भी हैं, और ये उन्होंने बाकायदा इस कंपनी को, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको काम दिया गया, और पहले तो कह दिया उन्होंने काम नहीं दिया गया, लिखित में चीफ इंजीनियर कोई आलोक सिन्हा चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर इन चीफ है यहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जिसने लिख करके बेला है कि यह आदेश है इसी कंपनी को दिया जाए, और वो कंपनी इतनी स्टेट्स में जो इन्होंने प्रियंका ने अभी गिनवाई उसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी है, दूसरी पार्टी की भी है, और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स भी है, जहां सब जगह ब्लैक, और ये मजे की बात है कलकत्ते की कंपनी है, जहां जहां बीजेपी काफी कुछ जंग करती रही है वहां की मुख्यमंत्री से, और ये कंपनी जो है, और मजे की बात सुनिए, ये जो अभी अनीता जी बोली कि 10 साल के, मुझे हंसी उसी पे आई, भाई अनीता जी वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का पाइप है, 10 साल की गारंटी कुछ नहीं होती है, 50 साल चलना चाहिए पाइप, क्या हर थोड़े दिन बाद खोदी जाएगी जमीन पानी की सप्लाई देखने के लिए कि जा नहीं रहा है पानी? दस साल का यही रैकेट है, सुनिए पहले बोलने दीजिए मुझे, 10 साल के कभी नहीं होती है गारंटी, 10 साल के लिए कुछ नहीं, 10 साल कुछ नहीं है, पानी का पाइप जो दिया जाता है वाटर सप्लाई पूरे में कर रही है, और उनका लिखित इसीलिए 10 साल करी गई है कि उसी में खेल है, और जो उसकी जो क्वालिटी सारे लोग कह चुके हैं, बल्कि एक कोई इनके MLA है बीजेपी के, क्या नाम है, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी के MLA ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और उसमें कहा है कि
इरिगेशन विभाग ने पॉइंटेड आरोप लगाया, इन्हीं का एमएलए, कोई और नहीं कह रहा है, कि 2 करोड़ रुपया जमा किया गया मंत्री जी को देने के लिए इस काम को। तो इससे बहुत गंभीर बात है। देखिए बीजेपी को एडवांटेज क्या है कि मेजोरिटी का फायदा उठाते हैं, कि कोई आरोप लगाए इतना चिल्लाओ उसको, बोलो झूठ है झूठ है झूठ है, और बिल्कुल जैसे बम्बार्डमेंट कर देते हैं ना कि पूरा, तो वो कह दो कि सारे दुनिया बोलेगी हाँ साहब ये तो झूठ है, ये तो बकवास करते रहते। और भाई अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपको जांच कराने में क्या है, लेकिन आप देख लीजिए किसी भी मामले में जांच नहीं कराते, क्योंकि अंदर जब आपको चोर कोई साफ आदमी होगा उसको क्या प्रॉब्लम है जांच कराने में। और जांच खाली सीबीआई की नहीं कह रहे, वो कह रहे कोर्ट मॉनिटर्ड, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो तभी पकड़े जाएंगे। या भाई अगर आप क्लीन हैं तो खुलेआम करना चाहिए कि ठीक है आप कर लीजिए। इसमें इतनी चीजें सामने आई हैं जो मैंने जो कागज देखे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि मामला गड़बड़ है। और ठीक है कोई ये तो नहीं कह रहा है ना कि आप को कटघरे, आपने आपके ऊपर शक है, आपको साफ सुथरे आदमी को तो बोलना चाहिए ठीक है आप कर लीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना चाहते, खाली ये चिल्ला चिल्ला के कि हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी, हम करते ही नहीं गड़बड़, सारी गड़बड़ दूसरे लोग करते, ये तो नहीं माना जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी में गड़बड़ तो होती है, लोग तो गड़बड़ मिलते ही है, क्या कोई पार्टी हो कितने भी, 4 लोग ईमानदार बैठते हैं, 50 लोग चोर बैठते हैं, कोई भी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पारदर्शिता की बात तो होनी चाहिए, और जनता का पैसा है, जनता के पैसे पर अगर उसको कहीं खर्च किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जवाबदेही बनती है। और अगर आरोप लगे हैं तो अब बेहतर होता कि महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह अगर ये कहते कि हाँ हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हम अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं, अगर किसी और को किसी और स्तर की जांच की आवश्यकता है तो वो भी होगी। लेकिन प्रियंका जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मैं आपके पास आऊंगा अनिता जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। प्रियंका जी जो आपने आरोप लगाए थे कि ये जो कंपनी है ये फला 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 जगह और इतने राज्यों में और सेना में ये ब्लैक लिस्टेड है, महेंद्र सिंह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर महेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, कहीं भी ऐसी ये कंपनी कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है और सेना में तो ब्लैक लिस्ट होने का सवाल ही नहीं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बड़ी शॉकिंग बात है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने दिया ही नहीं टेंडर, दूसरी तरफ वो कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसमें देखिए, इसमें एक बड़ा सिंपल छोटा सा तथ्य देती हूँ। जैसे वो अनीता जी सिर्फ पीसी पर बता रही कि उन्होंने दिया, जवाब नहीं दे पा रही वो यहाँ पे भी कोई, वो बता रही घपला का है ऐसे ही हमने 40% बोल दिया। एक चीज होती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बाकी स्टेट्स में क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में कोई प्रोजेक्ट हुआ उस पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पे 0.4% ऑफ द टोटल कॉस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है। केरला में जब ये हुआ तो वहां पे क्या रहा 0.15% थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कॉस्ट है। यूपी में क्या रहा 1.33% विच कम्स टू अबाउट 1200 to 1500 crores। आप इंस्पेक्शन के लिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी की इंस्पेक्शन के लिए 1500 करोड़ देने को तैयार है, तो ये तो बहुत मतलब दाल ही काली है। और जहां तक ये सवाल है कि उन्होंने कह दिया, वो सिर्फ कह रहे हैं, हम लोग जो बात कह रहे हैं वो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे कि ओडिशा ने इस कंपनी को रिजेक्ट कर रखा है, कि वेस्ट बंगाल ने कर रखा है, मध्य प्रदेश ने कर रखा है, एमपी को कर रखा है, ये 8 जो स्टेट्स गिनाए ये आपको ऑनलाइन ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो आई डोंट नो, उनको क्लैरिटी चाहिए, या वो कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कंपनी को टेंडर नहीं दिया, तो उनके दिमाग में थोड़ा। जी अनीता जी एक मिनट जी, देखिए जो आप 8 राज्यों की बात जो कर रही है मैडम, 8 राज्यों में कहीं भी उसको ब्लैक लिस्टेड वाला नहीं है, उन्होंने आज इस डॉक्यूमेंट्स को दिया है, महेंद्र जी ने खुद वो दिया है कि आज कहीं भी वो नहीं लिखा गया कि ब्लैक लिस्टेड है, कहीं नहीं लिखा गया, कहीं उसमें नहीं, कहीं नहीं मेंशन है। देखिए गलत बात ना बोलिए आप, गलत ना देखिए आप, कहीं एक चीज मेंशन नहीं है कि ये ब्लैक लिस्टेड है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं बताइए जो चीज लिखी नहीं गई उसको आप कह रही कि लिखा गया, कहीं वो उन्होंने डॉक्यूमेंट आज प्रेस आज मीडिया वालों को दिए हैं, वो 8 राज्यों की बात की पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने मीडिया वालों को पकड़ाए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज जो डॉक्यूमेंट दिखाए, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं,
मैंने कहा ना उन्होंने भी प्रेस किया है, तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा चोर होता, देखिए अगर हमारे अंदर चोर होता तो हम प्रेस का जवाब प्रेस से ना देते, हम उसका जवाब देते आज कराने में क्या प्रॉब्लम है, पूरा जवाब दे। अरे आप हर चीज में जांच जांच ऐसे, जब हमारा साँच को आँच नहीं होती कभी भी, आरोप का कोई जवाब नहीं दिया, रिप्लाई दिया सारे आरोप है उनका जवाब नहीं दिया, एक एक आरोप का जवाब दिया। अभी आप यहाँ पे सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, वन टू वन एक एक आरोप का जवाब बिल्कुल पेपर सही दिया है उन्होंने, सारा चार राज्यों की भी बात बताई है और उन्होंने ये भी बताया कि 40% बड़ी बात है वो भी बताई गई है, और सबसे बड़ी बात आपने थर्ड पार्टी बात कर रहे हैं वो भी बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है आप क्लियर कट बात, आप लोगों ने अयोध्या के मामले में बहुत उलझाया लोगों को, जमीन अयोध्या का तो घपला है ही, अयोध्या का तो घपला है ही, कहीं घपला नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने वाला काम नहीं होना चाहिए, जनता समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं है, और महेंद्र सिंह जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ये हम भी यही समझते थे, नहीं समझते नहीं समझिए ये बात नहीं, महेंद्र सिंह जी वाकई में बहुत ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, वो कभी ये नहीं हो सकता कि वो इस तरह से बेईमानी जो आप आरोप, आप ये बताइए समाजवादी पार्टी के आरोप तो हम लोग उसकी जांच करवा, हम लोग भी जांच करवा रहे हैं, जब हम लोग जांच करवा सकते हैं तो आने वाली पार्टी भी करा सकती है, हम लोग जब जांच करा रहे हैं कि आने वाली क्या समाजवादी है, क्या आपने कह रही है आने वाली क्या समाजवादी को कह रही है। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट, जो आप बात कर रही हैं कि समाज आप जो बात कर रही हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की, तो ये जो योजना है ये योजना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त से शुरू हुई है, और ये समाजवादी पार्टी के जमाने में थी नहीं, ये योजना तीन साल के लिए है, ये योजना मोदी की योजना है, मिशन जल शक्ति तीन साल के लिए, तीन फाइनेंशियल ईयर में इसको पूरा होना था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई काम नहीं है। मैं मोवर बर्गर की बात करी, मोवर बर्गर की योजना की बात करी, जो समाजवादी पार्टी के समय थी, जो तो बात बात आप पर जो आप पर जो आरोप लगे हैं वो बहू के आरोप नहीं है, आप पर जो आरोप लगे हैं वो एक लाख बीस हजार करोड़ की मिशन जल शक्ति योजना पर के आरोप है, आप उनका जवाब दीजिए, आप कहीं और की बात करके इस तरह से जवाब देकर आप आरोप, अरे एंकर को बोलने दीजिए भाई, क्या तरीका है, ये आरोपों को झुठलाने की बात है, आप जो आरोप आप पर लगे हैं, आप मऊ का उदाहरण देकर मिशन जल शक्ति के आरोपों से बच नहीं सकती, आपको आरोपों का जवाब मिशन जल शक्ति का भी मैं बता रही हूं, जो काम हुआ है उस पर बताइए, ब्लैक लिस्टेड नहीं है 8 राज्यों में, कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं, तो ये कंपनी बता रहे हैं, पहली बात तो टेंडर हुआ ही नहीं है, और उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, टेंडर हुआ ही नहीं है अभी तक, अभी टेंडर हुआ ही नहीं है, तो बिना टेंडर के दे दिया, बिना टेंडर के काम दे दिया, तो और बड़ा आरोप है, दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, दे दिया गया, अभी नहीं दिया, अभी सुन तो लीजिए, मैं वही मेरे ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड जो आप कह रहे हैं टेंडर है ही नहीं, उसका निकालिए डॉक्यूमेंट साफ साफ लिखा हुआ है, 8 राज्यों के डॉक्यूमेंट की बात कही गई है, आप देखिए निराधार जो आरोप लगाएंगे, निराधार नहीं, आपकी पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं, अनीता जी आपकी पार्टी के एमएलए लिख करके भेज रहे हैं लिखित रूप में, 4 MLA उसमें एक मंत्री है, कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारी पार्टी का एमएलए का, आपकी पार्टी के एमएलए हैं, अजय कुमार आपकी पार्टी के एमएलए का नाम है, डॉक्टर अजय कुमार नाम है, दो एमएलए वो एक है, हमारी पार्टी के एमएलए है, हम मालूम है डॉक्टर, लेकिन जो आपके पार्टी के एमएलए को निकाल दीजिए पार्टी से, अगर झूठ बोल रहे हैं, नहीं देखिए झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने सीधे वो उनका पूछा है, उनको जानकारी लेनी, जानकारी की जा रही ना, कि उनको ये जानकारी नहीं, अरे उन्होंने लिखित में भेजा है, आरोप लगाया आपके आरोप नहीं लगाया, उन्होंने लिखित जानकारी ली है, मतलब कुछ नहीं, आरोप नहीं लगाया है, कहीं आरोप नहीं लगाया है, एक विधायक को पूरी एक विधायक को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो जानकारी दे सकता है, उस जानकारी को आप आरोप कह दे तो गलत है, जानकारी को आरोप मत कहिए, वो जानकारी लेने के लिए बिल्कुल जानकारी को आरोप मत बोलिए, बिल्कुल अनीता जी हम आपकी बात मान लेते हैं कि उन्होंने जानकारी लेने के लिए कहा है, आरोप नहीं लगाए हैं,
तो संजय सिंह भी तो जानकारी लेना चाह रहे हैं। संजय सिंह उन्होंने जो कहा है, ना 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 ना, संजय सिंह ने जो कहा है, अगर आप गलत लगा रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि अगर संजय सिंह गलत आरोप लगा रहे हैं तो आप जिस पार्टी का जवाब दिया मैंने हम लोगों ने, उस पार्टी के नेता राम को अपना सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं, और उन जो राम थे उन्होंने एक आरोप पर जो है सीता को भी अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया था। तो अगर आरोप लग रहे हैं और एक राज्यसभा का आरोप अगर एक अग्नि परीक्षा को जनता ने स्वीकारा था क्या, जनता उस अग्नि परीक्षा को क्या 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 भगवान भगवान आप भगवान राम के चरित्र पर भी सवाल उठा रही हैं क्या? मैं सवाल बता रही हूँ, गलत गलत मैं सवाल में एक बता रही हूँ कि उस समय हल्ले के लिए कहा था कि वो ठीक है, वो अपना देखिए राजकाज आप भी राजकाजी चला रही है और आपको राजकाज की वजह से ही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको जवाब देगी। शरद जी मैं संक्षेप में आप समझना चाहता हूँ, अनीता जी जो आरोप लगा रहे हैं एंकर को भी बोलने दिया करिए भाई। जिस तरह के आरोप है इन आरोपों पर क्या बीजेपी को अपने सफाई को बहुत आधारित तौर पर नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, और कोई अगर जांच की मांग है तो जांच के लिए खुद को तैयार नहीं करना चाहिए? हम जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको एक बता दूं अनीता जी, अब आपका वक्त आपका वक्त अब हम खत्म हो चुका है, आप अपनी बारी में बात करिए। आपने बहुत दूसरों का वक्त लिया है, जोर से लोग हैं प्रोग्राम में अनीता जी, झूठ को बोले झूठ को सच नहीं साबित कर सकते। सर जी आप जारी रखें, यही मुश्किल है गोविंद, इस भाजपा के साथ सबसे बड़ा यही मुश्किल है, ये सोचते हैं कि बस बोलते जाओ दूसरों को, किसी को बोलने मत दो, इतना चिल्लाओ कि आदमी मजबूर हो जाए बात को मानने को। ये बड़ा अफसोस है, ये अफसोसजनक बात है कि पार्टी लोकतंत्र बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके, दूसरे को भी बोलने दीजिए भाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है कि हर एक को बोलने का अधिकार है, लेकिन भाजपा के स्टाइल जो है, उनका जो तरीका है कि दूसरे को किसी को नहीं बोलने देना, जो हम बोल रहे हैं वही सब मानो, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके के लोग पनप रहे हैं, और इस तरीके के लोग बोलने नहीं, जब आप डिबेट में नहीं बोलने देंगे तो संसद में अरे बोलने दीजिए ना, फिर बोलने नहीं दे रही आप, तो सीधे क्या तरीका है? अरे क्यों, तो हम लगाएंगे नहीं, आपने आप 50 बातें बोल चुकी, हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमने आरोप नहीं लगाया आप पे, हमने आप नहीं, कोई नहीं, हम जो बोल जो हमें लग रहा है वो, अरे इसको आरोप नहीं बोलते हैं, इसको जरा सीखिए, लोकतंत्र में रहना सीखिए। अभी देश में जब लोकतंत्र खत्म हो जाए तभी करिएगा, अभी जब लोकतंत्र जब खत्म हो जाए, जब आपकी पार्टी लोकतंत्र समाप्त कर दे देश में, तब आप बोलिएगा इस तरह से। ये आपका ये तरीका बता रहा है कि झूठ, अच्छा जब आदमी झूठ को डिफेंड करता है ना, तो उसके पास तथ्य तो होते नहीं है, तो चिल्लाता रहता है, वही आप क्या बात कर रहे हैं, यही बात है। अगर आप सच से सामना जो नहीं करता है, चिल्लाता है, सच जो है, झूठा आदमी जो है झूठा आदमी चिल्लाता है, तो चलिए आपकी बात तो साबित हो गई कि आप झूठ पे, आपकी सारी बात झूठ पे आधारित है, इसलिए आपको चिल्लाना पड़ रहा है, नहीं तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब आप बोलते जाइए, आप सोच रहे हैं आपके बोलने से झूठ सच हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो ये दुर्भाग्य है गोविंद कि ये पार्टी ये जो है। अनीता जी आपका वक्त पूरा हो चुका है, कृपया मर्यादा बनाए रखिए और आप चुप हो जाइए। शरद जी इस तरह से बोलेंगे तो सही नहीं है, गलत नहीं, तो आप अपनी बात, लोकतंत्र है, आजादी है, लोकतंत्र में अधिकार है बोलने का, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, दूसरा नहीं बोलेगा, तो आप हमको झूठा कहेंगे, छोड़िए ये, छोड़िए ये तानाशाही वाला रवैया, छोड़िए, सुधर जाइए आप मोदी को झूठा समझ रहे हैं, हम तो जो हमें झूठे हैं, आप संजय सिंह बड़े सच्चे हैं, संजय सिंह बहुत केजरीवाल बहुत सच्चे व्यक्ति हैं जिसका आप साथ दे रहे हैं, कोई नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, सब जनता जानती है केजरीवाल क्या है। गोविंद इनके यह जो है इनका भाई, ये तो या तो म्यूट करोगे, ये तो बस इनको अपनी रट लगानी है कि झूठ बोल बोल के आदमी को बम्बार्ड कर दो आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। गोविंद आप बोलिए।
साच क्वाच नहीं। बहुत बहुत खेदजनक है अनीता जी, आपका जो रवैया है आज की बातचीत में, हमको आपसे गंभीर जवाबों की उम्मीद थी, लेकिन आप मोहल्ले की तरह जो चीख पुकार का झगड़ा होता है उस हद तक आप उतर आई, ये बहुत खेदजनक है। नहीं गोविंद जी, आपकी बात, हमको दुख हुआ है, हम आपको एक गंभीर प्रवक्ता के तौर पर देखते थे, आपने किसी को बोलने नहीं दिया, आप सबके बारी तो में आप बीच में बोलती रही और तो आप बिना तथ्यों के, बिना तथ्यों के आप चीजों को लेकर सामने आई है। अगर अगर ये आरोप है, आज आप इस चैनल में जोर से बोलकर दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अगर ये आरोप है और ये आरोप वाकई में गंभीर और सच है तो आप किस किस को चुप कराएंगे? ये जनता जवाब देगी आपको, इसलिए अभी भी वक्त है, चेत जाइए, जो आरोप है उन आरोपों पर आप एक गंभीर सफाई दीजिए, अच्छी जांच बिठवाइए, ताकि आरोप अगर झूठे हैं तो आरोप लगाने वाले का मुंह बंद हो, अन्यथा जनता आपका मुंह बंद करेगी, आपको सोचना चाहिए। आपको बीजेपी को हम यही सलाह देते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते और देश के सबसे बड़े राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते और एक ऐसी योजना जो प्रधानमंत्री के नाम से भी जुड़ी है, जिसमें केंद्र सरकार की आधी धनराशि आती है, लगभग 60,000-80,000 करोड़ के आसपास शायद केंद्र का है, बाकी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ऐसी योजना में अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो अगर वो कहीं एक हल्की, बहुत हल्का भी आरोप है, तब भी सरकार को गंभीरता से उस पर सफाई देनी चाहिए, लोगों को पारदर्शी तरीके से सारी जानकारियां होनी चाहिए। और हम समझते हैं इस चुनावी वर्ष में बीजेपी को इतनी तो समझ होगी कम से कम कि लोग इस मुद्दे पर कितने गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को उनके घर में अगर मुफ्त का अनाज पहुंचा रहे हैं और अगर आप उनके घर में पानी की जगह उनके एक खाली हवाई सपने दिखाते रहेंगे तो वो जो लोग हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे। मैं प्रियंका जी आपका आभारी हूँ, तमाम आपके रवैये के बावजूद मैं आपका भी आभारी हूँ अनीता जी, और शरद जी आपका भी आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में हमारे जो आपकी बात कार्यक्रम है इस पर अपने कमेंट्स दें, आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो भी उनकी टिप्पणियां हैं, जो भी विचार हैं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर क्या आपको संशोधन चाहिए, क्या सुधार चाहिए, क्या होना चाहिए, इन तमाम बातों का आप विस्तार से हमारे साथ शेयर कीजिए, हमको अपनी जो टिप्पणियाँ हैं उनसे अवगत कराइए, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।